हेल्थ सुपरवाइजर रमोती देवी की सेवा निवृत्ति की विदाई पर फक फक कर रो पड़े उनके सहकर्मी। किसी भी क्षेत्र में अपने सहयोगियों और समाज के साथ किए गए अच्छे व्यवहार के कारण ही जब वह शख्स किसी कारण बिछड़ता है तो उसके सहयोगियों को और आमजनों को आम समाज की आंखें छलछला ही जाती हैं। ऐसा ही दृश्य आज उस समय दिखाई दिया जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायण बगड़ में हेल्थ सुपरवाइजर के पद पर काफ़ी लंबे समय तक अपनी बेमिसाल सेवाएं देने के बाद रमोती देवी के रिटायर होने पर स्वास्थ्य महकमा और आम समाज के लोग भावुक होकर रोने लगे। उनके सम्मानजनक विदाई के लिए आयोजित विदाई समारोह में वक्ताओं ने कहा कि रमोती देवी की 38 साल से भी उम्र का सेवाकाल बहुत ही उत्कृष्ट रहा। उन्होंने बिना देर किए रात दिन मरीजों प्रसूताओं की सेवाएं की। उन्हें कभी किसी से कोई गिला शिकवा नहीं किया और कहा कि उनके द्वारा अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। रमोती देवी के साथ सहकर्मी की भूमिका निभाने वाली ANM आशाएं और अन्य स्टाफ ने कहा कि उन्होंने उनसे हमेशा सीखा है। बहुत ही सहज स्वभाव से सभी को सिखाती भी थी। कहा कि हम सब रमोती देवी के ऋणी रहेंगे जिन्होंने हमें हर बारीकियाँ सिखाई। उन्होंने संबोधन के दौरान रमोती देवी स्वयं ही फक फक कर रो पड़ी। उनके रिटायरमेंट पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों समाज सेवियों और स्वास्थ्य महकमे ने उनके दीर्घायु और खुशहाल जीवन के लिए शुभकामनाएं। आप सुरक्षा कर सकते हैं, उस सुरक्षा के दौरान जो भी कमी आ रही हो। यहाँ पर उत्कृष्ट कार्य किया और इन्होंने हजारों हजार डिलीवरियाँ कराई हैं। यहाँ तक कि ट्विंस डिलीवरी भी नॉर्मल करा लेती थी और इनके अथक प्रयासों से ही हमारे PIC में डिलीवरियाँ अत्यधिक हो पाई हैं। मैं इनके स्वस्थ जीवन की और समृद्ध जीवन की कामना करता हूँ। पद पे रमोती नेगी जी थी, उनका आज विदाई समारोह हमने रखा है। इनका जो कार्यकाल रहा 38 साल 1 महीना और 18 दिन का कार्यकाल रहा और एक बृहद कार्यकाल रहा और ब्लॉक नारायणगढ़ में इन्होंने 10 साल की सेवा दी और इस सेवा के दौरान इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया और इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया, जैसे कोविड टीकाकरण है और प्रसवोत्तर कार्य ये निभाते थे और इस सेवा काल के दौरान इन्होंने हमें कभी भी किसी भी शिकायत का मौका नहीं दिया, इसके लिए हम इनको हार्दिक बधाई देते हैं। मैं HB रमोती नेगी जी के आगे आने वाले समय में उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और वो अपने परिवार के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ खुश रहें और सुखी रहें। मेरा और रमोती आंटी हमारी HB हैं जो उनका हम लोगों का 10 साल का साथ रहा है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरा जो प्रसव का कार्यकाल है सब उन्होंने ही मुझे सिखाया है। अब तो ये है कि वो चले जाएंगे तो मैं वैसे भी अकेली पड़ गई हूँ। मुझे खुद पता नहीं कि मैं अकेले कैसे मैनेज कर पाऊँगी। लेकिन आंटी का नेचर जो है, आंटी सबसे बड़ी आंटी में खूबी है कि वो काम की बहुत, अपने काम के प्रति बहुत दृढ़ रहती हैं। उनको हर टाइम आप बोलो, आज रिटायरमेंट है, आज उन्होंने हमारे साथ वैक्सीनेशन किया। कोविड वैक्सीनेशन में इतनी भीड़ थी, आज उन्होंने वैक्सीनेशन किया हमारे साथ। उनको जब बोलो आप, हर समय काम के लिए तत्पर रहती हैं। मेरे को उनसे यही सीख मिली है कि अपना जो काम भी करना है दृढ़ इच्छा शक्ति से करना है। उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, अपने परिवार में सुखी संपन्न रहें, अपने अपने परिवार के साथ जहाँ भी रहें भगवान को सुख रहे। समन्वय स्थापित करके जगह जगह फोन करके हमारे द्वारा भी आशाओं को सूचित करवाया जाता था और आशाएं भी लगातार आंटी जी के संपर्क में थी और साथ ही साथ वैक्सीनेशन के साथ साथ उन्होंने डिलीवरी का जो यहाँ पे कार्य किया है, दिन रात सुबह शाम बिल्कुल अपना घर परिवार छोड़ के न्योछावर होके ये कार्य हर किसी के बस का नहीं है। साथ ही मैं उनके मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए उनका प्रणाम करती हूँ और ऐसी हस्ती हमारे बीच में दोबारा भी आए इसके लिए मैं और लोगों से भी अनुरोध करूँगी कि काश हम आंटी जी के जैसी छाप यहाँ पर छोड़ सकें तो हम अपने आप में बहुत बड़े महान हैं। सभी लोगों के अंदर ऐसी महानता नहीं होती है। साथ ही साथ जो हमारे स्वास्थ्य विभाग को आंटी जी के जाने की क्षति होगी वो बिल्कुल भी हम सहन नहीं कर पाएंगे। अभी शुरुआत में हमें 1-2 महीने में उनकी कमी बहुत ज़्यादा खलेगी, उसके बावजूद जब हम थोड़ा थोड़ा कार्य को गति देंगे तो शायद आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही आंटी का हमें आशीर्वाद मिलना चाहिए और इसी के साथ मैं उनके मंगल भविष्य की कामना करती हूँ।
ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा इतना सम्मान होगा और मुझे जो है अपने विभाग के प्रति बहुत अपने घर बार छोड़ के जो है अपना काम करना बहुत अच्छा लगता था, लोगों को सेवा देना बहुत अच्छा लगता था। और क्या कहूँ आगे, उनको यही मेरा आशीर्वाद है कि जैसे मैं काम करती थी मेरा जो है मेरा काम का उन पर असर पड़े और जैसे मैं करती थी मेरा अनुसरण मेरा जैसा काम का अनुसरण लें। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे स्टाफ मेरे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जो है मेरे को बहुत सम्मान दिया और मैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बाकी सारे मेरे स्टाफ हैं, ANM स्टाफ हैं, आशा कार्यकर्ती हैं, फार्मासिस्ट भाई बहन सब लोग जो हैं मेरा बहुत सम्मान किया और मैं उनको बहुत बहुत